क्या है इस्लाम का मतलब, कैसे धरती पर उतरी पवित्र कुरान। इस्लाम धर्म में पवित्र रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद नया चांद दिखने के अवसर पर ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 15 जून शनिवार को है। 14 जून को चांद दिखा तो फित्र शब्द अरबी के फतर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है टूटना। ईद के इस खास मौके पर हम आपको इस्लाम से जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। क्या है इस्लाम? इस्लाम अरबी का शब्द है। इसका मतलब है शांति को अपनाना या उसमें प्रवेश करना। इस लिहाज से मुसलमान होने का मतलब उस व्यक्ति से है जो इंसान से लेकर परमात्मा तक सभी के साथ पूरी तरह शांति व सुकून भरा रिश्ता रखता हो। इस तरह इस्लाम धर्म का मूल स्वरूप यही है कि एक ऐसा धर्म जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्रेम और अहिंसा से भरा व्यवहार कर ईश्वर की पनाह लेता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब थे। उनका जन्म सन 570 में हुआ माना जाता है। भारतीय इतिहास की नज़र से जब भारत में हर्षवर्धन और पुलकेशियन का शासन था, तब हजरत मुहम्मद अरब देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कैसी धरती पर उतरी पवित्र कुरान? कुरान में वे आयतें यानी पद शुमार हैं जो मुहम्मद साहब के मुंह से उस वक्त निकले जब वे पूरी तरह ईश्वरीय प्रेरणा में डूबे हुए थे। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक ईश्वर ये आयतें देवदूतों के जरिए मुहम्मद साहब तक पहुँचाते थे। इन पवित्र आयतों का संकलन ही कुरान है। कुरान की आयतें पैगंबर को 23 सालों तक वक्त वक्त पर हासिल हुईं, जिनको उन्होंने कभी लकड़ियों तो कभी तालपत्रों पर संकलित किया। इन 23 सालों के दौरान पैगंबर 13 साल पवित्र मक्का और 10 साल मदीने में रहे। उनके बाद पहले खलीफा अबू बकर ने मुहम्मद साहब की संकलित इन सारी आयतों का संपादन किया व पवित्र कुरान तैयार की, जो प्रामाणिक मानी जाती है। केके न्यूज में अब तक इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।